सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। आज मैं अपनी जो ये वीडियो है वो एक काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पे बना रहा हूँ, दैट इज क्या डाइटिंग करने से ओबेसिटी पे कोई फर्क पड़ता है। दिस इज द मेन क्वेश्चन दैट मेनी पीपल हैज इन देयर माइंड। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ओबेसिटी को अपने रिड्यूस करने के लिए, ओबेसिटी के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। बट उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि क्या एक्चुअली में डाइटिंग करने से क्या उनके वेट लॉस में कोई उनको इफेक्ट मिलेगा। तो मैं आज उनके इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए अपनी ये वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले हमें इस कंसेप्ट पे अगर जाना है तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ओबेसिटी या मोटापा जिसे हम बोलते हैं वो होता क्या है। सो ओबेसिटी का मतलब होता है बॉडी में अनमेटाबोलाइज फैट का एकोमुलेट हो जाना, मतलब बॉडी में एक्सेसिव फैट का एकोमुलेट हो जाना, एक ऐसी फैट जो मेटाबोलाइज्म नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं ओबेसिटी। बॉडी का नॉर्मल रेंज से ज्यादा वेट हो जाना उसे भी ओबेसिटी बोला जाता है। ओके, अब डाइटिंग, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चलो अब हमारा जो है हम काफी अच्छे नहीं लग रहे, हमारा बॉडी का वेट जो है वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा बढ़ चुका है, चलो डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। बट क्या डाइटिंग करने से वेट लॉस में कोई इफेक्ट होता है? नो, दस रियली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो इफेक्ट। डाइटिंग करने से आपको वेट लॉस और ओबेसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। अब इसके पीछे की मैं कहानी बता देता हूँ। ओके, डाइटिंग का मतलब क्या होता है? अगर हम 3 टाइम खाना खा रहे तो हमने वो खाना जो है वो 2 टाइम कर दिया, या हम तीनों टाइम पे अगर हम चार हम हमारी जो नॉर्मल रोटी खाने की जो कैपेसिटी वो 4 थी, हमने उसे 2 कर दिया, है ना। तो यही होता है डाइटिंग का मतलब कि पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं अपनी एवरेज जो नॉर्मल डाइट होते हैं उससे हाफ डाइट भी शिफ्ट हो जाते हैं या एक टाइम की डाइट को स्किप कर देते हैं, ऐसा ही होता है। बट ऐसा करने से उनको एक नुकसान ही होगा, फायदा कुछ भी नहीं होगा। नुकसान क्या होगा पहले ये बता देता हूँ, है ना, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। सबसे पहले नुकसान ये होगा कि जो हमारी बॉडी में हमें एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, जो भी हम खाने में कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, फैट खाते हैं, जो भी प्रोटीन इनटेक करते हैं, वहां से एनर्जी मिलती है। और हमें हम अगर डेली कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें उस हिसाब से वो खाने में वो डाइटिक कंटेंट्स भी चाहिए। मान लो आप 9 बजे से लेके 12-1 बजे की ड्यूटी कर रहे हो, आपने 9 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया तो आपने वो 1 बजे तक वो सारी एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया है, तो अब 1 बजे आपको दोबारा से वो काम करने के लिए फिर से एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? अगर आपने फिर से अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट फैट्स और प्रोटीन का इंटेक किया। तो अल्टीमेटली जब भी लोग डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है कि वो उनकी बॉडी को वो एनर्जी, वो ATP नहीं मिल पाती है जो उनको नॉर्मल डाइट से मिलने चाहिए। ओके, सो अल्टीमेटली आप डाइटिंग करके अपनी बॉडी को एनर्जी से दूर रख रहे हो। दिस इज द मेन नेगेटिव इफेक्ट दैट ओबेसिटी हैज ऑन अवर बॉडी। ओके, अब डाइटिंग करने से वेट लॉस में क्यों नहीं प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि वेट लॉस का मतलब है कि जो फैट पहले से हो चुके उसे हमें ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, आप दोबारा से और फैटी फूड्स नहीं खा रहे, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। बट जो पहले से फैट जो पहले से एकुमुलेट है बॉडी में उसको मेटाबोलाइज करना पड़ेगा, उसका डाइटिंग करने से कोई लेना देना नहीं है। उसको मेटाबोलाइज करने के लिए आपको कोई फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, आपको रनिंग करनी है, या एनी काइंड ऑफ योगा, एनीथिंग, जिससे वो फैट जो है वो मेटाबोलाइज होनी शुरू हो जाए। और वैसे भी जब हम डाइटिंग करते हैं तो आपने देखा भी होगा कि जो लोग फास्ट करते हैं, मैं आपको इसका एक रिलेशन बता रहा हूँ, जो लोग फास्टिंग पे रहते हैं तो फिर भी वो 1-2 दिनों के लिए कैसे सर्वाइव कर जाते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी कंटेंट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होके उन्हें एनर्जी देते रहते हैं, दे कंटिन्यू से सप्लाई द एनर्जी टू अवर बॉडी। ओके, तो अगर आप डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं तो अल्टीमेटली जो आपके स्टोर्ड कंटेंट भी है, जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट है, स्टोर फैट है, स्टोर प्रोटीन है, जो एक इमरजेंसी रिजर्व की तरह काम करते हैं, वो भी ब्रेक हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली आप डाइटिंग करके वेट लॉस में तो कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ होगा नहीं उससे, क्योंकि उससे तो फैट का कोई लेना देना नहीं है। बट अल्टीमेटली आप 2 नुकसान कर रहे हो, एक आप अपनी बॉडी को एनर्जी नहीं दे रहे, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो अपने इमरजेंसी एनर्जी रिजर्व या रिसोर्सिस को यूज कर रही है। ओके, नो, दिस इज बेसिकली हैव द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द डाइटिंग ऑन द ओबेसिटी। मैंने बताया कि ओबेसिटी क्या होती है, ओबेसिटी का मतलब बॉडी का नॉर्मल वेट से ज्यादा वेट हो जाना, है ना। एंड दूसरा मैंने ये बताया था कि डाइटिंग का मतलब क्या होता है कि जब इंसान जो होता है वो अपने किसी तरह का फूड स्किप कर देता है। सो अल्टीमेटली फ्रॉम दिस होल डिस्कशन एक कंक्लूजन तो हम ये इस पे पहुंच गए
डाइटिंग का ओबेसिटी से कोई लेना देना नहीं है, बट अगर डाइटिंग आप एग्जैक्टली डाइटिंग करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको और फैटी फूड को एकमुलेट नहीं होने देना है। मतलब अगर आप डाइट में फैटी फूड से ज्यादा खा रहे हो उसको कम कर दो। दिस इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट डाइटिंग। उसकी जगह कुछ और चीजों का इनटेक करना शुरू कर दो, या ऐसा मत कर दो कि आपने खाना ही छोड़ दिया। दैट्स अ वेरी बैड आइडिया। ओके, ओनली द गुड आइडिया इज दैट यू स्टार्ट इनटेकिंग, यू स्टार्ट एक्सचेंजिंग योर फूड डाइट्स। आपने कार्बोहाइड्रेट्स की जगह कुछ और इनटेक करना शुरू कर दिया, और सॉरी फैटी फूड्स की जगह आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाने शुरू कर दिया। अगर आप पिज्जा पिज्जा बर्गर न्यूडल्स इस तरह की चीजें खा रहे थे, इसकी जगह आपने फाइबर्स, आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद, ये सब चीजें इनटेक करनी शुरू कर दी। सो दैट्स अ गुड आइडिया। पर आप अपनी कभी भी नॉर्मल, जो आपकी नॉर्मल डाइट रहती है, उसको मत स्किप करो। अगर आप लंच कर रहे हो, लंच में 2 चपाती ले रहे हो, ब्रेकफास्ट में और लंच में 9-3 ले रहे हो, तो वो आप जरूर लो, क्योंकि दैट विल प्रोवाइड यू द एनर्जी। बस ये ध्यान रखो कि फैटी फूड्स किसी तरह बॉडी में ना जाए, क्योंकि ओबेसिटी जो होती है फैटी फूड से ही बनती है। तो आई थिंक फ्रॉम दिस डिस्कशन आई हैव क्लियर दैट कि डाइटिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ओके, सो आई होप जैसे कि आप मेरी बाकी वीडियोस को पसंद करते हो, ये भी पसंद की होगी आपको। अगर ओबेसिटी से कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर स्पीड में पूछ सकते हो मेरे से, मैं कमेंट सेक्शन में मैं ट्राई करूंगा आपके हर क्वेश्चन को रिप्लाई करने की, जैसा कि मैं हर बार करता हूँ। सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग इंस्पायर फार्मा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। मैं दोबारा से एक न्यू वीडियो लेके आपके सामने बहुत जल्दी आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग इंस्पायर फार्मा।